औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। और सॉरी, रोटी गिर गई है। और आज मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे, तो सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ पे मेरे पास मूलियाँ थी, अभी देखे मैंने इनको फ्राई किया हुआ है। मूलियाँ थी तीन चार, अभी ये ठंडी करके रखी हुई हैं। तीन चार मूलियाँ जो हैं वो उनको मैंने कद्दूकस ऊपर से छील के, फिर उनको धो के, फिर उनको मैंने कद्दूकस करके, फिर उनमें मैंने थोड़ी सी मेरे पास मेथी थी वो भी उसके पत्ते डाले हैं, और नमक मिर्च और गरम मसाला हुशक धनिया डाल के उसको मैंने पकने के लिए रखा। उसमें मैंने तकरीबन तीन चार चम्मच ऑयल जो है वो भी ऐड कर दिया, और इस तरह ये भुनी हुई मूलियाँ जो है ये मैं इनसे पराठे बना रही हूँ। आटे में मैंने नमक ऐड किया था, और इसको तकरीबन एक घंटा पहले मैंने गूंद के रखा हुआ था। अब ये मैंने देखे छोटे बाउल बना के रखे हुए हैं, तो बना के रखने से ये है कि पराठा टेस्टफुल बनता है, तो इसलिए मैंने बाउल बना के रखे हुए हैं। और ये देखें, ये जो है ये पराठा मैंने पका लिया है। ये दोनों बाउल जो है इनकी छोटी छोटी रोटियां बेल के उनमें फिर मैंने मसाला फिल किया है, और फिर इसको ये पराठा देखें कितना टेस्टफुल सा पराठा बना है। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो यहाँ पे चूल्हा मैंने आहिस्ता किया है, अभी मैं एक और पराठा बना रही हूँ, और ऊपर ये मैं मक्खन जो है लगा रही हूँ, मक्खन के पराठे जो हैं वो बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे है और बच्चे घर में हैं, तो इसलिए मैंने मक्खन जो है वो बच्चों के लिए लगाया है। और पराठे जो है वो पका के फिर उनके ऊपर ऐसे मक्खन जो है मक्खन से ग्रीस किया जाए तो ज़्यादा टेस्टफुल से पराठे बनते हैं। तो आप लोगों के घर में भी अगर मक्खन है तो आप भी ऐसे खाइएगा, बहुत टेस्टफुल से पराठे बनते हैं। तो अभी मैं जो है अभी और भी पराठे बनाने लगी हूँ। जी, तो ये जो दो बाउल थे उनको मैंने फैला के उनमें मैंने मसाला वगैरह ऐड करके, तो ये देखिएगा फिलिंग करके, फिर ये साइडों से मैंने इसको जो है वो हाथों की मदद से अटैच कर लिया आटे को, और अभी इसको मैं जो है वो हाथों की मदद से तवे पे डालूँगी। जी, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने तवे पे डाल दिए। तो अभी सर्दियों में मूली वाले पराठे जो हैं वो, और आलू वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, गोभी वाले पराठे, पराठों की मतलब के बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। सर्दियों में सुबह सुबह जो है वो नाश्ते में अच्छा लगता है, इस तरह का नाश्ता जो है टेस्टफुल सा नाश्ता होता है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ, साइड चेंज की है मैंने, अभी इसके ऊपर मैं मक्खन लगाऊंगी। देखिए ये जो मक्खन मेरे पास पड़ा है, आप लोग चाहें तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चूँकि हाथ वगैरह साफ़ करके धो के फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, इसलिए मुझे चम्मच की ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए रोटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी टेस्टफुल सी बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेसफुल लुकिंग आ रही है, खाने में भी बहुत टेस्टफुल रोटी बनी है। मूलियाँ जो है वो कच्ची, अगर आप फ्राई नहीं करना चाह रहे, अगर आप कच्ची लगाना चाह रहे हैं तो कच्ची जो है उनमें से पानी बिल्कुल आप हाथों की मदद से निचोड़ के, तो उसको मूली को आप ड्राई कर लें, तो फिर वो रोटी में लग सकती है।
अदरवाइज़ वो नहीं लग सकती, क्योंकि जो मूलियों का जूस होता है उसकी उनकी वजह से रोटी जो है उनमें मसाला ठहर नहीं सकता, वो रोटी से बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से उनको मैं तो फ्राई कर लेती हूँ। जो लोग नहीं फ्राई करना चाह रहे उनके लिए ये तरीका है कि वो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मूलियाँ जो है वो कद्दूकस करके उनको निचोड़ लिया करें, निचोड़ के फिर उनमें नमक मिर्च ऐड करें तो फिर वो सही से पकेंगी। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रोटी पक गई है और इस तरह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।